खबर शिवपुरी के जिला कलेक्ट्रेट से है। हम आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट में आज 11 साल की बिटिया मीनाक्षी तिवारी पुत्र स्वर्गीय संतोष तिवारी ने गुहार लगाई कि उसका डॉक्टर बनने का सपना है, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते अच्छी पढ़ाई करने में असमर्थ है, कृपया उसकी मदद की जाए। जानकारी के अनुसार मीनाक्षी तिवारी पुत्री स्वर्गीय संतोष तिवारी ने बताया कि वह ग्राम बूडौन तहसील पिछोर जिला शिवपुरी की निवासी है। वहीं उसके पिता की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। पिता को कैंसर था और वह 5वीं क्लास की छात्रा है और 5वां क्लास उसने पास किया है और 6वें में आई है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वह अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रही है, जिसकी उसने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए जो कि सब कुछ फ्री हो। मीनाक्षी ने बताया कि उसके पिता का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। बताना होगा कि मीनाक्षी की 3 बहनें हैं और घर में मम्मी हैं। मीनाक्षी ने बताया कि उसके पास कोई ज़मीन है जो कि बटाई से दे रखी है, जिसका आधा पैसा उनको मिलता है। इसके अलावा उनके पास इनकम का कोई और दूसरा साधन नहीं है, इसी कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके चलते अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही है। हम आपको बता दें कि मीनाक्षी को उसके फूफा जनसुनवाई में लेकर आए थे, उनकी आँखों से भी आंसू झलक रहे थे। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी तिवारी। मीनाक्षी कहाँ रहते हो? भूड़ौन। कहाँ पड़ता है? अंधार महादेव की बगल में खोड़ के पास। आप यहाँ जनसुनवाई में आई थी? हाँ, हम भी पढ़ना है अच्छे से अच्छे स्कूल में, जिसमें खाना और रहना और पढ़ना सब फ्री हो। कौन सी क्लास में हो? हम 5 में, आप 6 में आ गए हैं। तो यहाँ जनसुनवाई में किस लिए आए थे आप? क्या आवेदन लगाने आए थे आप? तो अभी आपके पिताजी वगैरह माताजी कौन कौन है घर में? हाँ, हमारे पिताजी तो एक्सपायर हो गए हैं, उनको 2 साल हो गए हैं। हम 2 साल मुंबई में रहते, बस हमारी माँ हैं और हम 3 बहनें हैं। आप सबसे छोटी हो या बड़ी? हम बीच के हैं। माँ क्या करती हैं आप? हमारी माँ खेती करती हैं, पर खेती अम्बटिया से दाएँ हैं, पर आधी हमें मिल जाती है। तो आपको पढ़ने में समस्या आ रही है क्या? हाँ। किस प्रकार की आ रही है समस्या आपको? हम वहाँ पे पढ़ नहीं सकती, हमारे गांव में पढ़ाई तो होती है पर हम गांव में नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना है। हमारे सपना था, हमारे पापा जी ख़त्म हुए थे जब ये कह रहे थे कि आपको डॉक्टर बनना है, इसीलिए हमारा ये सपना है कि हम डॉक्टर बने। तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, इसलिए पढ़ना चाहती हैं? हाँ।